सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि हबीब फाउंडेशन दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत कर रही है सदर की हबीब फाउंडेशन के वक्त से मुलाकात त। त। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान का मुल्को कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के शोह की बरसियों को आजाद कश्मीर में सरकारी सतह पर मनाने का फैसला चेयरमैन वापडा का नीलम जहलम प्रोजेक्ट का दौरा टेल रेस टनल में बहाली के काम का जायजा प्रोजेक्ट इंतजामिया की जानब से बहाली के काम पर पेशरफ के बारे में चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग बहाली का काम दिन रात जारी भारतीय फौजियों की जानब से गुजश्ता रोज जिला राजवारी के इलाके डंगरी में चार अफराद की हिलाकत और नौ अफराध के जख्मी होने के बाद इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइया तेज दारकूमत मुजफ्फराबाद में जारी सरकारी आटे के बहरान के हवाले से शहरियों का मुजफ्फराबाद की सेक्रटरी होरा का कश्मीर से मुलाकात सेक्रटरी हरा की जानब से वक्त को भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी पांच जनवरी को योम हक हदियत के हवाले से कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में प्रोग्राम को तरतीब दे दिया गया हर साल कश्मीरी अकवाम मतहद की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए पांच जनवरी को हक हदियत के तौर पर मनाते हैं बिस्फिरा रहीम जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक हेडलाइंस आप जान चुके बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि हबीब फाउंडेशन दुनिया भर में इंसानियत की ख़िदमत कर रही है सदर की हबीब फाउंडेशन के वक्त से मुलाकात सदर कश्मीर ने ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में इंसानी हकूक़ की तंजीम हबीब फाउंडेशन बरतानिया के जेरतम बरतानवी हाउस आफ लॉर्ड्स और बरतानवी पार्लियामेंट के मम्बरान के एक वक्त से मुलाकात के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हबीब फाउंडेशन दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत कर रही है जो कि काबिल सत्तई है मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कश्मीर का मसला जगराफियाई नहीं बल्कि इंसानियत का मसला है लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप दुनिया में जाकर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामाली रुकवाने और मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें क्योंकि आप लोग जहाँ पूरी दुनिया में मुस्क और स्पेशल परसन के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ इस सिलसिले में भी हम आपको अपनी और पूरी तरह से स्पोर्ट और मामनत फराहम करेंगे वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान का मुल्को कौम के लिए जानू का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के शहदा की बरसियों को आजाद कश्मीर में सरकारी सतह पर मनाने का फैसला पाकिस्तान की अस्करी तारीख का पहला निशाने हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद का 27 जुलाई को यम शहादत आजाद कश्मीर में सरकारी सतह पर मनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 27 जुलाई 1948 को कैप्टन मोहम्मद सरवर ने आजाद कश्मीर के ओडी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर कब्जा करते हुए अपने खून से सरजमीने वतन की आबयारी करते हुए असली दुश्मन भारत की ज पर अपनी शुजात बहादुरी की दहाग बिठाई थी मौजूदा वजीर आजम आजाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बरसी के दिन को सरकारी सतह पर मनाने की मंजूरी देते हुए इस अज़म का इजहार किया कि मात्र वतन के दिफा की खातर जानों की कुर्बानी पेश करने वाले हर अफसर और जवान की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया जाएगा कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बरसी की तकरीबा को आजाद कश्मीर में सरकारी सतह पर मनाने के लिए महकमाए सर्विसज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है चेयरमैन वापडा का नीलम जेहम प्रोजेक्ट का दौर अटेल रेस टनल में बहाली के काम का जायजा प्रोजेक्ट इंतजामिया की जानब से बहाली के काम पर पेशरफ के बारे में चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग बहाली का काम दिन रात जारी चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल सज्जात घनी रिटायर्ड ने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया और प्रोजेक्ट की टेल रेस टनल में जारी बहाली के काम का जायजा लिया नीलम जेहलम हाइड्रो पावर कंपनी के चीफ ऑफिसर और कंट्रेक्टर्स और कंसल्टेंट्स के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे जुलाई दो में नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टेल रेस टनल में बंदिश के बायस प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार का तातुल का शिकार है नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का टनल सिस्टम मजमू तौर पर अड़सठ किलोमीटर तवील है टेल रेस टनल की लंबाई साढ़े तीन किलोमीटर है और टेल रेस टनल में एक जगह पर बंदिश वाक़ है जिस पर बाद में वाबडा ने टेल रेस टनल की बहाली का, का काम शुरू किया वफाकी हुकूमत की इजाजत से चीनी कंपनी को बहाली के काम का कॉन्ट्रैक्ट एवॉर्ड किया गया है बिजली की पैदावार दोबारा शुरू करने के लिए टेल रेस टनल में बहाली का काम दिन रात जारी है टेल रेस टनल में बहाली के कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन वापडा ने प्रोजेक्ट इंतजामिया और कंट्रेक्टर को हदायत की है कि बहाली का काम शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किया जाए उन्होंने मजदीद कहा कि इस जमन में बैन अवी माहरीन पर मुश्तमिल पैनल की सफारशात को भी मद्देनजर रखा जाए भारतीय फौजियों की जानब से गुजशतर रोज जिला राजवारी के इलाके डंगरी में चार अफराद की हलाकत और नौ अफराद के जख्मी होने के बाद इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइया तेज इलाके में गुजशत रोज बम धमाके के एक और वाक में एक बच्चे समेत दो अफराद हलाक और पांच जख्मी हो गए कत्ले के खिलाफ आज राजी कस्बे में मुकम्मल हड़ताल की गई लोग हलाक होने वालों की लाशों के साथ डंगरी चौक पर जमा हुए सड़कें बंद कर दी जबकि मुजाहरीन ने कश्मीरियों लोगों की जानों के तहफ़ में नाकामी पर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जारी सरकारी आटे के बहरान के हवाले से शहरियों का मुजफ्फराबाद की सेक्रेटरी होराक आजाद कश्मीर से मुलाकात सेक्रेटरी होराक की जानब से वफद को भरपूर कार्रवाई की की दहानी तफसीलात के मुताबिक वफद को सेक्रेटरी होराक की जानब से सौ टन इजाफी आटा फर फौरी तौर पर फ़राम करने की यकीन दहानी कराई गई वफद ने गुफ्तु करते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद की ज़रूरत सात हज़ार टन महाना है जबकि मुजफ्फराबाद को बारह सौ से पंद्रह सौ टन आटा दिया जा रहा है जिस फौरी तौर पर कम अज़ कम चार हज़ार टन किया जाना चाहिए सेक्रेटरी होरा की जानब से वफद को भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई है पाँच जनवरी को योम हक हदियत के हवाले से कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में प्रोग्राम को तरतीब दे दिया गया हर साल कश्मीरी अवत्य की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए पाँच जनवरी को हक हदियत के तौर पर मनाते हैं सर्विसज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुतलिका महकमों को कापी अरसाल कर दी नोटिफिकेशन के मुताबिक पाँच जनवरी को कश्मीर इंस्टीट्यूट के जेरमाम दिन दो बजे जम्मू कश्मीर हाउस इस्लाम में सेमिनार का इनका किया जाएगा

ज़िला बिंबर में इंसदादे पोलियो मुहिम सोलह तीस जनवरी जारी रखने का फैसला तमाम इंतजाम मुकम्मल मुहिम के दौरान पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का फैसला डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल की जेर सदारत अजलास में फैसला तफसलत के मुताबिक एस एस पी भिम्बर और डी एच ओ भिम्बर ने पोलियो के हवाले से हमत अमली बनाते हुए खसूस मीडिया ब्रीफिंग दी डी डॉक्टर नईम जमान चौधरी ने बताया कि ज़िला बिम्बर की आबादी लगभग चार लाख सत्तर हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है इकतीस यूनियन कोंसल्स में छिहत्तर हज़ार से ज़्यादा बच्चों को सोलह जनवरी ता बीस जनवरी पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक पैंसठ एरिया इंचार्ज हैं पैंसठ फिक्स पॉइंट हैं दो सौ अठानवे वैक्सीनेटर्स हैं इजलास में पोलियो मुहिम को सौ फीसद कामयाब बनाने का भी फैसला किया गया कलेक्टर अमूर मंगला डैम चौधरी अयूब की खाना बदोश बच्चों के साथ सालगिरह की तकरीब मनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चौधरी मोहम्मद अयूब की सालगिरह पर हज़ारों अफराद की जानब से सोशल मीडिया पर पैगाम तफसी के मुताबिक कलेक्टर अमूर मंगला डैम चौधरी अूब ने अपने ऑफिस में खाना बदोश और गरीब बच्चों के साथ केक काटा और उनको खुशियों में शामिल किया इस मौके पर बच्चों को अपने ऑफिस में केक भी खिलाया चौधरी ऐूब अपने अजीज वार की तावन से वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं बारह सलाई सेंटर से खुतिन को हुनरमंद बनाकर मुआशी तौर पर उनको अपने पाँव पर खड़ा करने का खैराती काम भी कर रहे हैं बेरोजगार नौजवानों में होल्डर रक्षे भी मुहैया कर रहे जम्मू कश्मीर के जेर तमाम पांच जनवरी योम हक हद के मौके पर में रैली के इनका के लिए भरपूर अवामी रा मुहिम जारी पासबान हुरिया जम्मू कश्मीर के जेर तमाम पाँच जनवरी योम हक हदरादियत के मौके पर दारकूमत में रैली के इक़ाद के लिए भरपूर अवामी रबा मुहिम जारी है पासबान हुरिया जम्मू कश्मीर की जानब से हजारों हैंड बिल्स तकसीम किए गए शहरीों से मुलाकातें की गई जबकि इन्वेस्टमेंट और तरानों से शहरी जो हैं वो महसूस होते रहे और पूरा शहर गूंजता रहा मुहिम में तंजीम के चेयरमैन पासवान हरियत उज़ैर अहमद गज़ाली समेत कई जिम्मेदारान और कारकुनान ने शिरकत की रावला कोर्ट की नवाही यूनियन काउंसिल अली सोजल के इलाके खोड़ी चना में टंबर माफिया मुतहरिक टंबर माफिया जंगल तबाह करने लगे आवाम की जानब से महकमे जंगलात पर जंगल तबाह किए जाने का इल्ज़ाम तफसत के मुताबिक रावला कोर्ट के नवाही इलाके सोजल में अहले इलाका की जानब से जंगल दुश्मन अनासर की जानब से जंगल तबाह किए जाने का इल्ज़ामायद किया गया है अहले इलाका का कहना है कि रात के अंधेरे में जंगल से सरसब्ज दरख्त काट कर ले जाते हैं मीडिया टीम मौके पर पहुंच गई मीडिया के पहुंचने पर अहले इलाका और तहफ़ जंगल कमेटी के अरकान फट पड़े उन्होंने इल्जाम वायद किया कि जंगल की तबाही में महकमे के फॉरेस्टर और मुकामी बैट गार्ड शामिल हैं महकमा जंगलात ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जबकि बेट गार्ड आतिफ अशरफ ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम की तरदीद कर दी दूसरी जानब डी एफ ओ जंगलात पूंछ ने टेलीफोनिक गुफ्तु करते हुए कहा कि जंगल की तबाही के जिम्मेदारान के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी तजिया का राजा हबीबुल्ला पर बातचीत कहा भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए राजा हबीबुल्ला खान की गुफ्तु मुलासा कीजिए राजा हबीबुल्ला खान साहब आज मौजू क्या था मेहमान कौन थे क्या बात हुई साल दो हजार बाई कश्म एक जायजा जो है इस हवाले से आज इनता प्रोग्राम हो है और आज हमारे प्रोग्राम में ममताज दफाई तेजिया कार जनरल नईम लोधी थे इसी तरह सबक सदर और वजी अजम जो हैं सरदार महमद याकूबा ख़ान साहब थे फिर सबक वजी अजम और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रांस के नो मनतखब सदर जनाब सरदार रतीक अहमद खान थे हमारे साथ तो कश्मीर के हवाले से जनरल लोधी साहब का तो ये कहना था कि कश्मीरी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान कश्मीरियों पे कोई एहसान नहीं कर रहा उनकी मदद कर जी बिल्कुल अंसार साहब उनका ना सिर्फ ये कहना था बल्कि उनका यह भी कहना था कि हमें हिंदुस्तान के मुकाबले में जो है वो आ... पूरा भरपूर जो है वो उसे जवाब देना चाहिए हमें मज़ा खाना रवैया नहीं रखना चाहिए हम एक जुम्मेदार एटमी मुल्क हैं और अगर आ, कोई भारत ने आ, अगर जारियत की कोशिश की तो उसे शिकन जवाब दिया जाएगा सरदार सरदारतीक अहमद ख़ान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नईम लोधी जनरल सैद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे की बहुत तारीफ़ की और उनके जो स्टेटमेंट है बड़ा स्टेट किस्म का कि हिंदुस्तान को अंदर घुस के मारेंगे इसकी बहुत तारीफ की है। जी सरदारती कमल साहब ने इसे बहुत सराहा है और उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी जो हैं हम मसाला मसल पाकिस्तान के जो हैं वो बाजू हैं और हम फ्रंट पे जो है वो अगर कोई किसी किस्म की जारियत होती है तो हम जो कश्मीरी अवाम हैं वो हमेशा से जो है वो पाक फ़ौज के और पाकिस्तान की तकमील की जो है वो जंग लड़ रहे हैं और ये अपने मंजिल के स्कुल तक जो है ये जंग जारी रहेगी बिल्कुल सही जी और सरदार याकूब ख़ान साहब ने और सरदार रतीक अहमद ख़ान साहब ने सियासी हवाले से आ, ये बड़ी मीनिंगफुल बात कही है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ी अजम 2023 में तब्दील हो सकते हैं जी अनसर साहब बिल्कुल सरदार याकूब ख़ान साहब का भी सरदारतीक अहमद ख़ान साहब का भी आ, कहना था कि आ, जो पाकिस्तान में आ, थोड़ा सियासी अदम इसम पैदा हुआ है उसके असरा यहाँ भी मरतब हुए हैं और यहाँ पे जो है वो एक सौ एक से दो वजे अजम तब्दील हो सकते हैं रवान साल जो है हल्का राजमहल यूनियन कोंसल सावड़ तत्ता पानी से आज़ाद उम्मीदवार मलिक अब्दुल रहीम एडोकेट की कामयाबी और डिस्ट्रिक्ट कौंसलर मुंतब होने पर लहड़ी तत्ता पानी इजहार तशक् और मुशावरत के लिए पहलाट ने की जबकि नजामत के फरज मोहम्मद खलील मुगल ने अदा किए इजहार तशक् और मुशावरती इजलास से नो मनत काउंसलर सैयद सप्तुल हसन शाह मलिक गुलाम अब्बास और दिगर ने खिताब किया मलिक अब्दुलरहीम एडवकेट को डिस्ट्रिक्ट कौंसलर मुंतब होने पर मुबारकबाद पेश की और तमाम अहलियान यूनियन कौंसल सावर तत्ता पानी का कामयाबी से अमकान कराने पर शुक्रिया अदा किया उन्होंने यू सी के मसाइल को जेर बहस लाया और डिस्ट्रिक्ट कौंसलर मलिक अब्दुलरहीम एडवोकेट की क्यादत में यू सी सावर तत्ता पानी की बेहतरी और तरक्की और मसाइल के हल के लिए मिलकर जितो जारी रखने के अजम का इजहार किया अब तक के लिए इतना ही मजदब बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल